रेड वाले से चालू कर रहे हो ना, लाइट आ गया। रात भर लाइट नहीं था तो हम लोग बहुत ज्यादा, और अभी जा करके लाइट आया है, और ये मेरी अंतिम रोटी बनने जा रही है। अब हम पंखा चला करके हवा के बीच में बैठ करके खाएंगे, पहले स्नान करेंगे उसके बाद भोजन भोजन करेंगे। अभी स्नान हम नहीं किए हैं, ये काम हो गया। इसको खोलो, इसको खोलो, ये जो बचा हुआ आटा है इसको, ये आटा अभी शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डब्बे में रख लिया जाएगा और फिर शाम को जब रोटी बनाना होगा, जब भी रोटी बनाना होगा, बहुत कम रोटी, फिर जब रोटी बनाने की जरूरत पड़ेगी तो इस आटे को इस्तेमाल, मुटरवा चलते नहीं के, मुटरवा चलते नहीं के, इस आटे को इस्तेमाल में लिया जा सकता है। इसको रख दिया अच्छे से अलमारी के अंदर ताकि कोई नुकसान ना हो। हाँ धो देंगे, और ये मेरी गोठी आते हैं पक्के तैयार हो गई, गोठी लगा आते हैं। आप वीडियो मत काटना, देख लीजिए, कर दी मैं इसको अभी, मेरी अंतिम रोटी पक्के तैयार हो चुकी है, ये आप लोग देख सकते हैं। और मेरी सारी रोटियों को आप लोग देखें कैसे मैंने रोटी पकाया और किस तरीके से, अगर आप मेरी सारी वीडियो को देख लेंगे, एक मिनट दो दो मिनट लंबी वीडियो नहीं है, तो आप निश्चित ही रोटी पकाना सीख जाएंगे। और रोटी पकाने से जो आपके मन में डर बैठा हुआ है कि रोटी पकाने में बहुत मेहनत है, रोटी कच्चा हो जाएगा, रोटी पकाना हमारे बस का नहीं है, इस तरह की जितनी भी अनर्गल और अफवाह बातें आपके दिलों दिमाग में, सारी बातें निकल जाएंगी मेरी सारी वीडियोज को देखने के बाद। और इस चौक जिसमें रोटी बेला जाता है, चौकी और बेलन को सही तरीके से किचन में एक तरफ किनारे खड़ा कर दिए, रख दिए हैं, बंद कर दिए। रुक जाओ, आप क्यों परेशान हो, ये जो आटा अभी उठे हुए थे इसको हम फ्रिज में रखेंगे, शाम को ये पकाने के काम में आ जाएगा और इसको धोया जाएगा ना। हाँ, ये जो कठोत और परात है इसको धोया जाएगा करने के बाद, और इसको सबके को अंदर इस अलमारी में किनारे रखने के बाद अलमारी को बंद कर दिए, बंद कर दिए। ये जो चम्मच रोटी पलटने के लिए मैं लिया था इसको बर्तन में रख लिया यहाँ पे, इसको फ्रिज में डाल करके, इस आटे को फ्रिज में डाल करके फिर शाम को रोटी पकाएंगे। तो मार जा, आप देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।